नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे 42 इयर्स अगो 1976 के अंदर यहां पर बात हुई थी कि लखवर डैम बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर कई एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा था कि ये जो है पॉसिबल नहीं है। यमुना नदी के उन अपर रीजन और अपर बेसिन के ऊपर ये जगह स्थित है जहां पर जो है ये हाई सिस्मिक लेवल माना जाता है, तो ये डैम कंस्ट्रक्ट करना अच्छी बात नहीं है। 200 प्लस मीटर की हाइट के ऊपर डैम बनाना इस सिस्मिक जोन में बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते अब जो है इस डैम को जो 1976 यानी कि 42 इयर्स अगो होने वाला था वो अब जो है अप्रूव हो गया है। यहाँ पर स्पेशल कमेंट आती है साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम रिवर एंड पीपल के हिमांशु ठक्कर के द्वारा कि 1980 में जो विरोध हुआ था वो कुछ और जमाना था, कुछ और टाइम था, और टेक्नोलॉजी थी। आज का जमाना आगे बढ़ गया है और बेटर सेंस से यहाँ पर काम हो सकता है। तो 90:10 यानी कि 90% सेंटर फंड करेगा, 10% जो है विभिन्न स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 4 स्टेट, राजस्थान 5वां और 6ठा है यूनियन टेरिटरी हमारा दिल्ली। और यहाँ पर 4000 जो अमाउंट है प्रोजेक्ट की वो 2012 का अमाउंट है। और यहाँ पर 300 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ यमुना नदी एंड वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट। लोकेशन है लोहरी विलेज देहरादून, जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तराखंड का है। और यहाँ पर नितिन गडकरी ने कहा है जो हमारे यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है कि यहाँ पर 20 से 25 सालों का प्रॉब्लम जो है दिल्ली का पानी का वो सॉल्व हो जाएगा जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। दिसंबर में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, 2022 तक इसकी डेट रखी गई है। 5 स्टेट, 1 यूनियन टेरिटरी और सबका मिला के सेंटर भी कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। और यहाँ पर जो दिसंबर के बाद जून तक जो पानी की तंगी महसूस होती थी वो नहीं होगी। आदित्यनाथ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सुंदरा सिंधे राजस्थान, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड, मनोहर लाल खट्टर फ्रॉम हरियाणा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, इन सभी ने मिलकर एमओयू साइन किया है अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के विकास के लिए। और यहाँ पर जो है नेशनल मीडिया सेंटर के ऊपर ये जो सिचुएशन है हुई थी। तो बीइंग दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट, यहाँ पर इसके साथ है रेणुका जी और केशवा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिससे भी फ्यूचर ड्रिंकिंग वाटर्स जो है दिल्ली की वो सॉल्व हो जाएगी। आज दिल्ली जो है 200 मिलियन गैलन पर डे की शॉर्टेज फील करता है जहां पर उनकी डेली डिमांड है 1113 MGD। तो दिल्ली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना बेहद जरूरी है। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का फ्लो जो है चलने वाला है। और यहां पर जो है विभिन्न अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे व्यासी प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड के अंदर है वहां पर 135 MGD वाटर दिल्ली को मिलेगा। रेणुका जी और किशवा प्रोजेक्ट जो मल्टीपर्पज है वहां पर 275 MGD और 372 MGD पर डे वाटर मिलेगा। तो व्यासी प्रोजेक्ट से जो है दिल्ली को बहुत सारा फायदा होने वाला है। और अब जो है दिल्ली के लिए काफी सारी खुशखबरियां है इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होते ही। सेंटर बेयर करेगा 90% और बाकी विभिन्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 10% बेयर करना है। और यहाँ पर जो यमुना का बेसिन एरिया है यहाँ पर 130,856 हेक्टर लैंड को और इरिगेशन एरिया को फायदा मिलेगा। और टोटल ओवरऑल 1093.83 MCM यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर की जो फायदा है वो सभी को मिलने वाला। और पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी होगी 1060 मेगावाट। तो थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, लोहरी विलेज देहरादून हरियाणा, लोकेशन यमुना रिवर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और यूनियन टेरिटरी दिल्ली को यहां पर फायदा होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी होगी 300 मेगावाट जो उत्तराखंड को मिलेगा। स्टोरेज कैपेसिटी 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर की होगी। इरिगेशन पोटेंशियलिटी 33,780 हेक्टर की होगी। वाटर जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए मिलेगा वो होगा 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांटा जाएगा। कंक्रीट ग्रेविटी डैम होने वाला है ये 204 मीटर की हाइट वाला। लैंड यहां पर रिक्वायर्ड है 1217.18 हेक्टर। और अभी ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज है दिसंबर तक शुरू हो जाएगा, 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू 2012 डेटा इज अराउंड 4000 करोड़ रुपीस। कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर कंपोनेंट वुड बी ओनली बेयर बाय उत्तराखंड, इट इज नियर टू 1400 करोड़। रिमेनिंग जो 2600 करोड़ तक की कॉस्ट है वो सभी सेंटर और स्टेट के बीच में बांटी जाएगी, जहां पर 24000 करोड़ तक का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी का 120 करोड़ हरियाणा, उत्तर प्रदेश का 85 करोड़ रुपीस और राजस्थान का 25 करोड़ रुपीस यहां पर बेयर किया।
जाएगा। दिल्ली 16 करोड़ और हरियाणा जो है वो 9 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पर बैर करेगा। सभी का यहाँ पर फायदा है, यानी कि जो टैग लाइन है कि सबका एक साथ फायदा हो, यही देश का रियलिटी के अंदर विकास होता है। तो ये है वो लखवर डैम जिससे जो है फायदा होने वाला है। ये है वो लखवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनेगा उत्तराखंड के अंदर, जिससे सबका फायदा होने वाला। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।